मेरी चाहे बोलो या ना बोलो तुम तो रहोगी मेरी के अब राह में अपनी मिला दो जहां मिल सके साया तुम्हारा वही साथ में थोड़ी जगा दो तुम जहां कहोगी वहीं पे मिलूंगा मैं यही हूं तेरे साथ ही रहूंगा नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6 और मैं हूं आरजे नरेश आपके साथ वापस आ गया हूं एक और ब्रांड न्यू शो लेके जुमेरात को और आज हम आपके साथ वापस हैं जहां पे हम आपके साथ करने वाले हैं बहुत सारी बातें क्योंकि इस शो में होती हैं बहुत सारी बातें हम सबके दिलों की जुड़ी हम सब से जुड़ी हुई बातें और ऐसी बातों का एक और सफर एक घंटे का ये सफर मैं आपके साथ करूंगा आज 10 से 11 के बीच में और आज आपको देने वाला हूं एक फुल फ्लेश शो यानी कि आपको मिलेगा सब कुछ लव टिप ऑफ द वीक माय सक्सेस स्टोरी तेरी मेरी बात और यादों का सफरनामा सब कुछ होने वाला है पूरे शो में इसका मतलब आपको जो कुछ वीक से या एक दो वीक से जो
कुछ सेगमेंट आप हमारे और फीचर्स शो में नहीं सुन पा रहे थे किन्हीं वजहों से, यानी कि जो हम स्पेशल शोज कर रहे थे उसकी वजह से आप नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन आज आपको सब कुछ मिलने वाला है। और कौन कौन हमारे पार्टिसिपेंट होंगे आज वो भी आपको पता चलेगा कुछ वक्त में। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो क्या है, टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेजेस पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन जो लोग शो के साथ चलते हैं खाली, जिनको शो में ही टॉपिक सुनना और जानना पसंद आता है, उनको भी अब कुछ से कुछ लम्हों में पता चल जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। और आप हमारे साथ शो में आना चाहते हैं, शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हम हमेशा की तरह आज भी दो मीडियम्स हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, जिसमें पहला है हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA N, या फिर अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो ऑफिशियली इस शो के लिए है 9015173846। इस नंबर को आप नॉर्मल कॉलिंग के लिए, टेक्स्ट मैसेज के लिए और चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं शो के दौरान। और अगर आप 11 बजे से पहले ये सब करते हैं तो आप शो में ज़रूर शामिल हो पाएंगे। इसके साथ अगर आप फेसबुक खोल कर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप फेसबुक पे दिल से दिल तक का पेज है उसको जाके अभी लाइक कर लें, वहाँ पे भी आप अपनी बात पोस्ट कर सकते हैं। साथ में वहाँ से आपको व्हाट्सअप का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे आप सीधा अपने फेसबुक से हमारे व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कि अलग से आप अपना व्हाट्सअप खोलें उसके बाद हमारे पास आएँ, ऐसा भी कोई नहीं है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको विजिट करना है www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय पोस्ट करेंगे और ये राय आपको पोस्ट करनी है 11 बजे से पहले, ताकि हम आपकी बात अपने इस शो में शामिल कर सकें। तो ये हो जानकारी जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जानकारी ये भी कि अब वक्त आ गया है बताने का कि आज हम आपके साथ कौन सा टॉपिक शेयर करने वाले हैं या कौन सी बात है जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। लाइफ में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, देखी होंगी और कई तरह की चीजें ऐसी हैं जो लोग अक्सर मना करते हैं या उसके बारे में कुछ खराब सोच होती है। ऐसा ही एक शब्द से आज मैं आपको वाकिफ करवाऊंगा जो आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, उसी से हमारा टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो शब्द हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो हमने आज आपका टॉपिक चूज़ किया, आपके लिए जो टॉपिक चूज़ किया तेरी मेरी बात सेगमेंट में, जिसपे हम आज बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी राय हम तक पहुँचाएँ, अपनी बातें शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं, उसके लिए जो मौजू आज का है वो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और टॉपिक सिर्फ इतना सा, कैन योर ऑब्सेशन मेक यू सक्सेसफुल, क्या आपका जुनून आपको सक्सेसफुल बना सकता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ऑब्सेशन जैसे ही आपके दिमाग में आता है ना, जुनून या ऑब्सेशन, तो हमारे मन में एक नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है कि यार ऑब्सेशन क्या होता है, या ऑब्सेशन जैसी जो चीज़ है उसके बारे में बड़ी अटपटी सी धारणा कह लीजिए, भावना कह लीजिए हमारे मन में है, जिसके लिए लगता है कि शायद जब कहते हैं कि कोई ऑब्सेस्ड है या कोई व्यक्ति ऑब्सेशन में, अगर आप ऐसा कहें तो फीलिंग आने लगती है कि लगता है कुछ गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे इसी टॉपिक को लेके, कैन योर ऑब्सेशन मेक यू सक्सेसफुल, क्या आपका ऑब्सेशन आपको कामयाब बना सकता है, उस पर बात होगी। आप भी अपनी राय हम तक पोस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्लास की घंटी जो बजी, आई याद है वो सारी दौड़ के, किससे फिर मिले, हाँ रख लूं मैं उन्हें, कुछ पन्ने किताबों के मोड़ के, फिर से वो गली है तू जो ले चली,
तो ठहरू मैं थोड़ा सा यही हूँ रुका हाँ हाँ जिंदगी तू बढ़ा हाँ हाँ जिंदगी हूँ गलत तो बता जिंदगी देख सच का पता जिंदगी धर्म भी हम थोड़े बेशरम भी न कोई थी शरारत आखरी बचपने में जो सताए थे सामने पर भुलाए उन यारों से जेबें फिर भरी हो गए रूबरू अब आंखों में भरू वो लम्हे जो जिए थे कभी अब भले तू सता जिंदगी माफ तेरी खता जिंदगी ले मैं फिर से चला जिंदगी क्यों रुका था भला जिंदगी वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन सिक्स। मैं हूँ आरजे नरेश और इस प्यारे से गाने के बाद अब बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की। पहला सेगमेंट हमेशा की तरह यानी कि यादों का सफरनामा और इस यादों के सफरनामा में काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ स्पेशल शो हमने बीच में आपके लिए ऑर्गेनाइज किए थे जिसकी वजह से ये सेगमेंट रुका हुआ था लेकिन आज हम फिर से वापस हैं अपने सेगमेंट के साथ। इस सेगमेंट में हर बार आपको हमारे नए पार्टिसिपेंट मिलते हैं और उनके साथ नई नई बातें होती हैं और वो लेके जाते हैं हमें अपनी यादों के सफर के साथ अपने बहुत पीछे की यादों में और बताते हैं कि किस किस तरह की घटनाएं किस तरह की बातें उनकी लाइफ में हुई है। आज भी हमारे साथ एक नए पार्टिसिपेंट हैं हमारे इस सेगमेंट के लिए जो हमारे साथ बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने उनको लाइफ में काफी परेशान किया। शरद बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने शो में बुलाया है। शरद हमारे सुनने वाले बहुत से लोग जानते हैं आपको क्योंकि आप लगातार रेडियो डांस से जुड़े रहते हैं लेकिन वो लोग जो शायद हमारे साथ अभी जुड़े हों उन लोगों के लिए कुछ अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दें। देखिए मैं फिलहाल पंचकुला में नवोदय स्कूल में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, पीजीटी इंग्लिश हूँ। वैसे मैं दिल्ली से ही मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है, स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ मेरी दिल्ली से है और वैसे मैं रहने वाला बनारस का हूँ। शरद तो यादों के सफरनामे में कौन सी ऐसी घटना है जो याद आ रही है और महसूस हुआ कभी कि जब ये घटना घटी तो लाइफ में शायद कुछ बचा नहीं है या बहुत मुश्किलें आ गई हों? जी देखिए नरेश जी, वैसे तो अगर हम बात करें यादों की तो ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं जो शायद आपके मानस पटल पर ऐसे छप जाती हैं जिनसे निकल पाना बहुत मुश्किल रहता है, है ना। तो ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं पर ऐसी यादों में से एक ऐसी याद चुन पाना जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल हैम्पर कर दिया हो, रोक दिया हो, निश्चित रूप से इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं। जी तो दोस्तों मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी और वो घटना वैसे तो मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी घटनाएं हैं पर एक ऐसी घटना जिससे कि मेरी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट आ सकता था। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई, मैं क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स दिल्ली में पढ़ रहा था। तो 12th क्लास करने के बाद मेरी मतलब पहले से ही डिसाइड कर रखा था मैंने कि मैं 12th क्लास के बाद इंग्लिश ऑनर्स करूंगा और मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ूंगा, ऐसा मेरा सपना था जी, है ना। तो और ये आप ये समझ सकते हैं कि मैं इतना ऑब्सेस्ड था इसको लेकर
कि मतलब कुछ हमारे जो सीनियर्स पहले सेंट स्टीफन में गए थे उनमें से किसी एक से मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज की टी शर्ट भी मैनेज कर ली थी और अपने स्कूल में वो सेंट स्टीफन की टी शर्ट पहनकर घूमा करता था जी। तो इतनी ऑब्सेशन थी मतलब तो और उसके लिए पूरी तैयारी भी लगातार करता जा रहा था कि क्योंकि मुझे पता था कि सेंट स्टीफन कॉलेज में इंटरव्यू होता है तो उसके लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयार भी कर रहा था सब कि अब कभी ऐसा ना हो कि मेरी अपनी किसी कमी की वजह से मैं ना जा पाऊं इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। तो जब 12th क्लास जब उसके रिजल्ट्स आए तो उसके बाद मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज में अप्लाई किया था। उसके अलावा भी मैंने अप्लाई था क्योंकि मतलब वही कहते हैं ना कि कभी इंसान को एक अपना एक ऑप्शन भी लेके चलना चाहिए इस वजह से बिल्कुल है ना। तो मैंने साथ के साथ हिंदू कॉलेज और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं बनारस से हूँ तो मैंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना वहां पर भी मैंने अप्लाई कर रखा था ग्रेजुएशन के लिए जी। तो सेंट स्टीफन में ठीक है हमने फॉर्म वॉर्म भरा उसके बाद मतलब इंटरव्यू की डेट आई और इंटरव्यू गए देने तो मतलब ठीक था कॉन्फिडेंस पूरा था क्योंकि बहुत पहले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये समझ सकते हैं कि सेंट स्टीफन में इंटरव्यू के में अपीयर होने से कम 3-4 साल पहले से यानी क्लास 9th-10th से ही सपना में देखने लग गया था सेंट स्टीफन का है ना। तो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा डर वाली बात नहीं थी डर बिल्कुल निकल चुका था मन से और बहुत अच्छे से हमने इंटरव्यू दिया और काफी अच्छा रहा सब कुछ जी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके। और उसी दौरान मैंने हिंदू कॉलेज में भी एंट्रेंस अपना दे दिया वहां पर रिटन एंट्रेंस होता था तो मैंने वहां पर उसको भी अपीयर किया ओके। तो जब रिजल्ट आया और मैं जब देखने गया वहां पर रिजल्ट तो रिजल्ट पहले जो नाम देखा तो नाम पहले तो वही बात आती है ना किसी ने बताया आपको कि आपका नाम है लिस्ट में है ओके, ना ओके। तो बहुत खुशी होती कि मतलब हमारा नाम है लिस्ट में तो एक पल के लिए तो बहुत खुशी हुई जब किसी ने बताया जब मेरा नाम शरद कुमार सिंह नाम तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे हो गया मतलब एक बार तो बहुत ही खुशी हुई कि चलो जो मैंने सपना देखा था शायद वो पूरा हो गया। लेकिन नरेश जी अगले ही पल वो टूट गया जब उसने मुझे ये बताया कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है आप वेटिंग लिस्ट 1 में है ओके। एक पल का जो उत्साह और जो खुशी थी वो मतलब एक समझ सकते हैं कैसे दुख के सागर में मैं डूबा मुझे लगा मतलब कुछ समय के लिए तो मैं अपनी जगह पर खड़ा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो सकता मैं अपने पूरी तरह से अपने सेंसेस में ना होता तो शायद गिर भी सकता था वहीं। लेकिन जैसे तैसे क्योंकि मैं बाहर था और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि समाज में है तो हम अपनी सारी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार मैं वहां से बस अपने हॉस्टल आया और वहां पे जब और लोगों से थोड़ा मिला उस समय मैंने ज्यादा किसी से बात नहीं की जब मुझे आइसोलेशन मिला ठीक है ना तो मैं बहुत रोया मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं मैं क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा था वो तो मैंने ऑप्शन भर दिया था हिंदू कॉलेज या और लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरा ये था कि मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में ही पढ़ूंगा बस। जब वहां एडमिशन नहीं हुआ कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा अभी तो वेटिंग लिस्ट में है हो जाएगा लेकिन पहले से हमने सुना हुआ था कि सेंट स्टीफन में अगर किसी का वेटिंग में आ गया है तो वो मतलब लगभग ये तय है कि वो क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सेंट स्टीफन कॉलेज इसको मिलेगा और वो छोड़ देगा एग्जैक्टली। तो ये तो लगभग ये तय था कि जब वेटिंग में है तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेगा कोई भी कि वो क्लियर होगा तो ऐसा ही हुआ वो वेटिंग कभी क्लियर भी नहीं हुई। उस दिन बहुत रोया मैं बहुत और फिर उसके बाद एक पल के लिए जैसा कि मैंने कहा टर्निंग पॉइंट आ सकता था मैंने ये डिसाइड कर लिया रातों रात उसी दिन रात को मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जब मुझे सेंट स्टीफन कॉलेज मिलना ही नहीं है ना तो मैं फिर यहाँ दिल्ली में क्यों पढ़ूं ठीक है। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं फिर अपने घर चला जाऊंगा बनारस में मेरी फैमिली है मैं फिर अपना वहाँ BHU में एडमिशन ले लेता हूँ और BHU भी अपने आप में एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है तो ये फैसला मैंने कर लिया मैं लगभग ये कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये टर्निंग पॉइंट आ जाता आप सपोज करिए कि जो अगर मैंने इस वो फैसला तो ले ही लिया था लेकिन अब सपोज कि मैं उसी दिन अगले ही दिन मैं टिकट वगैरह करा के और चला जाता तो शायद फिर टर्निंग पॉइंट ही होता कि शायद मैं आज दिल्ली में नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन यानी सुबह के बाद जब कुछ लोगों से मिला और लोगों को अपनी बात बताई तो लोगों ने मुझे समझाया कि देखो जो ठीक बात है कि सेंट स्टीफन ये बहुत अच्छा कॉलेज है और इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छा है लेकिन सभी लोगों ने समझाया कि जो हिंदू कॉलेज है दैट कॉलेज इज इक्वली गुड ठीक है ना।
तो तुमको वहां जाना चाहिए। और अच्छा, एंड इसमें ये भी रहा कि एंट्रेंस वहां का मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि मैंने वहां भी एंट्रेंस दिया, रिटर्न एंट्रेंस था वहां पे, तो वो एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया था वहां पे। तो यहाँ से फिर रिकवरी शुरू हो जाती है जी। मतलब ऐसा लगा कि मतलब लोगों ने जैसा कहा कि वहां पे तुम्हारा क्लियर भी हो गया है, वहां पे तो तुम्हें जो है एडमिशन मिल ही जाना है, तो फिर तुम ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो कि तुम वहां चले जाओगे? अगर तुम अपने घर रहना चाहते हो तो बात अलग है, अदरवाइज दिल्ली में रहने का जो एक आपको जो एक्सपोजर मिलता है, ठीक है ना, तो आपकी आपकी अपनी जो कैपिटल है उसमें रहने का जो आपको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से ही है वो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं, किसी दूसरे जगह से आते हैं, यूपी से या किसी और जगह से आते हैं, उनको इस बात का पता जरूर लगता है कि कैपिटल में आके उनको किस तरह का एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर मिलता है, एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर यही था कि उसके बाद लोगों ने समझाया कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, वहाँ की फैकल्टी अच्छी है बहुत, है ना, तो मतलब तुम जो है एडमिशन ले लो और इस बात को छोड़ दो कि सेंट स्टीफन जो है वो सेंट स्टीफन तुम्हारे हिंदू कॉलेज, बल्कि ये देखिए सेंट स्टीफन और हिंदू कॉलेज सामने सामने ही है। मतलब हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब ये भी था कि जब भी उसके गेट से निकले सामने में सेंट स्टीफन कॉलेज रहेगा, और हर बार ये मुझे फील होती रहेगी कि मैं इस कॉलेज में होना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये भी एक बात थी, तो लेकिन उसके बावजूद हर चीज को एक तरफ रख के जैसे तैसे अपने आप को मैंने बैलेंस किया, फिर मैंने हिंदू कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया। फिर वहां से ग्रेजुएशन, वहां से और मास्टर सब कुछ वहीं से हुआ फिर? जी 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 नरेश जी, बिल्कुल। उसके बाद वहीं से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद हालांकि फिर पहले मैंने बीएड कर लिया था, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मैंने वही कॉलेज ज्वाइन किया, हालांकि मैं कोई और दूसरे कॉलेज में जा सकता था पीजी के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन तक इतना अच्छा वहाँ पे सपोर्ट मिला निश्चित रूप से, और फैकल्टी का सपोर्ट और हर चीज का सपोर्ट इतना अच्छा रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात को मैंने महसूस किया कि ठीक है सेंट स्टीफन में मैं नहीं हूँ, तो अब वहाँ क्या होता ये तो एक अलग बात है, पर जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा हो रहा है। आज क्या सिचुएशन है कि अब जैसा अभी टीचिंग में है, पीजीटी है, तो मतलब सब कुछ सेटल्ड है, आज अगर उस घटना को देखें, उस इंसिडेंट को देखें, तो मतलब कैसा लगता है कि वहां से हमें कई बार रिकवरी बहुत अच्छी हो गई, उसके बाद इस तरह की जब सिचुएशन लोगों की लाइफ में आए तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, देखिए जहां तक रही बात रिकवरी की, वो बहुत अच्छी रही, क्योंकि अब मेरे से मैंने कहा ना कि सपोज करो अगर मुझे हो सकता है कि कई बार किसी को ऐसी सिचुएशन में सही एडवाइस नहीं मिल पाती होगी, सही एडवाइस बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ ऋषि, इस टाइम पे अगर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आता है, है ना, जब वो कुछ सोच नहीं पाता होता, तो एक इंडिविजुअल तो वास्तव में फैसला नहीं कर पाता होता, तो कर पाता, क्योंकि देखो वो तो ऑलरेडी उसके साथ तो हो चुका है ना, exactly. है ना? तो वो तो खुद ही नहीं सोचने की स्थिति में है, सोच नहीं पाएगा वो, है ना, इज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग, है ना। तो लेकिन जो अगर अच्छी एडवाइस अगर उसको मिल जाए उस टाइम पर, तो वो बहुत बड़ा काम करती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मुझे अच्छा एडवाइस मिला, एडवाइस मिलने की वजह से मैं वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अब मैं सेटल्ड हूँ, पीजीटी इंग्लिश, और आई एम वेल सेटल्ड आई कैन से। तो इसलिए, और बाकी यही मैं कहना चाहूंगा नरेश जी कि ऐसा टाइम तो आता है, सभी के लाइफ में आता है, उस टाइम पर जरूरत इस बात की है कि आप सबको सुने, सबसे अच्छी बात उस टाइम भी यही रहती है कि आप सबको सुने। कई बार अगर सपोज करो मैंने अपनी बात किसी को बताई ही नहीं होती, कई लोग ऐसी स्थितियों में किसी से बात नहीं करते हैं, है ना, और एक अपना कोई भी फैसला ले लेते हैं क्योंकि उनको शर्म आ जाती है। सपोज करो मुझे ये शर्म आती कि मैं लोगों से ये बताने में, मुझे हिचकिचाहट होती कि यार सेंट स्टीफन कॉलेज में मेरा नहीं हुआ एडमिशन, या मैं वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैं अपने आप में कोई फैसला लेता, हो सकता है मैं बनारस चला जाता, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां से क्या होता वो तो अलग बात है, ये भी मैं नहीं जानता कि वहां जाने के बाद क्या होता, मैं इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होता, वो तो जो होता सो होता, लेकिन जो अभी हुआ वो अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ, मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा हुआ, मुझे कोई परेशानी नहीं, बाद में सारी जितनी भी मेरी डिग्री कोर्सेज थे सब कुछ अच्छे से हुए उसी कॉलेज से, और उसके बाद जब जो है यहाँ पर जो मेरी टीचिंग चल रही है, ये पिछले 7 सालों से मैं टीचर हूँ, पीजीटी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो
सब कुछ ठीक हुआ, अच्छा रहा। तो ये है शरद जो पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से लाइफ में घटनाएं होती हैं, कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो आपको विचलित कर देती हैं, आपको हैरान परेशान कर देती हैं, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों से सलाह ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर एक चीज पूरी नहीं हुई तो लाइफ में आप दूसरा ऑप्शन लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं और उस पे आगे जाके कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। शरद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग और जो मोटिवेशन वाली बातें हैं जो हमारे लिसनर्स ने सुनी होंगी। अगर कोई इस तरह की समस्या में होगा तो जरूर उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन इस बात से जरूर मिलेगा कि आप लाइफ में कभी भी आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच नरेश जी, आपने बुलाया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से लोगों से बात कर पाऊँ और अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाऊँ, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के जिंदगी कैसे बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी, ये दुनिया मिले ना मिले हमको खुशियाँ भगा देंगी हर गम को, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे, मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे, ये दिल जो ढाला तेरी आदत ने शामिल किया है इबादत ने, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन सिक्स। प्यारे से गाने के बाद इस मोटिवेशनल यादों के सफरनामा सेगमेंट के बाद अब बारी आ गई हमारे दूसरे सेगमेंट की जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात या मौजू आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कशन में जो टॉपिक हमने आज आपके लिए चूज़ किया वो हमने आपको पहले ही बताया, कैन योर ऑब्सेशन मेक यू सक्सेसफुल, क्या आपका जुनून आपको सफलता दिला सकता है। कई बार मैंने जैसा आपको बोला कि जब भी हम बात करते हैं ऑब्सेशन की, आपकी पता चलता है कि कोई बंदा ऑब्सेस्ड है या किसी के बारे में आपके मन को जानकारी मिले तो आपके मन में सबसे पहले जो विचार आता है कि यार ये ऑब्सेस्ड है या ये बंदा ऑब्सेशन में है, जुनूनी है, तो बड़े अजीब अजीब से ख्याल या कुछ और चीज़ें आपके मन में आती हैं, शायद कुछ इश्यू है, कुछ मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, बहुत सी बातें आपके मन में और दिमाग में आनी शुरू हो जाती है जब इस तरह का आपको किसी के बारे में पता चलता है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो है, क्या आपका ऑब्सेशन आपको सफलता दिला सकता है। बिल्कुल, किसी भी तरह का ऑब्सेशन गलत या सही हो सकता है, गलत तभी हो सकता है जब उसका डायरेक्शन ही गलत हो। मसलन कि अगर आप किसी ऐसी डायरेक्शन में हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई आगे आउटकम नहीं है, जिसके बारे में आप ये नहीं सोच सकते कि इससे आपको कुछ मिलने वाला है, आप कुछ सीखने वाले हैं, आप लाइफ में आगे कुछ करने वाले हैं, वो अगर ऐसा कुछ ऑब्सेशन है आपका तो वो बिल्कुल आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता, यानी कि वो तो किसी के लिए भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्सेशन अगर पॉजिटिव है आपका, आपका जुनून आपके कैरियर को लेके
अपनी अच्छी चीजों को लेके आप दुनिया में देखेंगे तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन में थे या ऑब्सेस थे अपनी चीज़ों को लेके, अपने कामों को करने के लिए। मतलब आप बात करें कि किस तरह से आपका ऑब्सेशन आपको आगे बढ़ाता है, आपको कामयाबी की ओर लेके जाता है, तो इसमें आज हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ रीज़न आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिससे अगर आप ये नोट करें कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में हैं और उसके बाद आप ऑब्सेस्ड हैं उसके लिए, तो किस तरह से वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है और उसमें आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आपका भी कुछ मन है, कोई बात है, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हम आपसे जुड़ सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA N, या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर, इसी नंबर को आप व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट भी आपके अलाउड हैं अगर आप 11 बजे से पहले हमें पोस्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो रीज़न है जो ऑब्सेशन का, वो आपके मदद में शेयर कर दूँ। ऑब्सेशन की सबसे बड़ी बात है कि ये आपको करेज देता है। आप कई बार लोगों से राय लेते हैं और आप बात करते हैं तो आपको शायद उतना करेज या साहस ना मिले, उतनी हिम्मत ना मिले, जितना अगर आप किसी चीज़ के लिए जुनून में हैं, किसी चीज़ के लिए जुनूनी है एकदम, और उसके लिए आप इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आप उसे करना ही चाहते हैं। तो अगर वो काम मुश्किल भी हो, लोग आपको ये कह रहे हो कि ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, ये प्रॉब्लम आएगी, फिर भी आपका ऑब्सेशन आपको इतनी हिम्मत देता है कि आप उस की परवाह किए बिना उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। माइकल जॉर्डन की एक कहानी इसी में याद आती है, जब उनको 10th क्लास में ही उनकी टीम से बाहर निकाल दिया गया था, और आप जानते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हैं, कितने सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पे हैं, लेकिन उनको 10th क्लास में ही अपनी टीम से बाहर निकाल दिया गया था। अगर उनका ऑब्सेशन नहीं होता, वो खुद कहते हैं कि उनका ऑब्सेशन है उनका गेम खेलना, अगर वो ऑब्सेशन नहीं होता तो शायद जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, और शायद उनको आज की दुनिया में कोई नहीं जानता। तो यह उनका ऑब्सेशन था कि उसके पीछे वो लगातार लगे रहें, टीम से निकल गए, मेहनत की, ज़बरदस्त मेहनत की, और उसके बाद वो वापस आए। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आप कुछ करते हैं और आपको हिम्मत मिलती है बहुत सारे, जब कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ये जब आपको अपने पास से हिम्मत मिलती है तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। इसके साथ साथ जो ऑब्सेशन है वो आपको बहुत सी चीज़ें दिखा देता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ चाहते हैं लाइफ में, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए टाइम के मास्टर बन जाते हैं, आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल करना सीख जाते हैं। तो ये आपका ऑब्सेशन है जो आपको चीज़ें सिखाता है और आपको आगे भी बढ़ाता है। तो उसके हिसाब से आप टाइम के मास्टर बन जाते हैं, आपको पता चलता है कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है और आपका जो फोकस्ड एरिया है उस पे आप कितना टाइम देना चाहते हैं ये भी आपको पता चलता है। और यहाँ से आप शेड्यूल करना चीज़ें शुरू कर देते हैं, कि जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लाइफ में आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, आप अपने फोकस चीज़ पे करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको ये जो शेड्यूलिंग है, जो टाइम की मास्टरी है, वो भी आपका ही जो ऑब्सेशन, आपका जो जुनून है वो आपको देता है। इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, वो ऑब्सेशन आपका, अगर आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, आप किसी और फील्ड में कुछ करना चाहते हैं जो आपका कैरियर बना सकता है, वहाँ पे आपका जो ऑब्सेशन है वो आपको बहुत देता है। एक तो नए नए आइडियाज़ आते हैं क्योंकि आप इतने फोकस होते हैं, क्योंकि आप इतने सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं उस टाइम पे, कि आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, नई नई थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें। तो ये फ़ायदा होता है जब आप ऑब्सेस्ड हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो मेरे पास अभी कुछ और भी रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उन रीजन्स में आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्सेशन है ये किस तरह से या किस हद तक आपकी मदद करता है कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, आप अपने कैरियर के लिए
कुछ कर सकें और अपने आप को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो करें, लेकिन जो कहते हैं जो हिम्मत खुद से मिलती है वो लाजवाब होती है। हाँ पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे, चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिश है, चाहतों की बारिश है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल, देखो हौले हौले आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल, देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है, तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई है रोशन, तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन, कैसा है ये जुनून बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल, देखो हौले हौले आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल, देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे, चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिश है, चाहतों की बारिश है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया वे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और यूको बैंक में जॉब कर रही हूँ। आज मैं माय सक्सेस स्टोरी में आपको मेरे लाइफ की एक स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ। बट उसके पहले कि आई होप कि आप सारे लोग हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम बस 4-5 दिनों के बाद होने वाला था। उसके पहले मुझे मेरे स्क्राइब और मेरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करने थे, तो मैं और मेरे भाई हम डॉक्यूमेंट्स जमा करने गए। बट वहाँ के जो मेरे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब उन्होंने कहा कि आप पहले यूनिवर्सिटी से लेटर लिख के लाना तभी हम आपको यहाँ पे परमिशन देंगे एग्ज़ाम लिखने की, और उन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए। कुछ भी उन्होंने बोला नहीं उस पर, ना कुछ
जानने की कोशिश की, जबकि उन्हें पता था कि मैंने 11th और 12th में स्क्राइब लेकर एग्ज़ाम लिखा है। उसी कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर भी कर रही थी, पर तब भी उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए। कुछ आगे की बातें कुछ भी उन्होंने बोली नहीं, बस बोला कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर लिख के लाना लेटर। अब मुझे पता नहीं था यूनिवर्सिटी क्या कैसा है, और दूसरी बात मतलब मेरी फैमिली थोड़ा इतना एजुकेटेड नहीं है कि उन्हें इन सारे चीज़ों के बारे में पता है। तो फिर वैसे हमने वो डॉक्यूमेंट्स उठाए और घर आए, और फिर पापा को सारा मैटर बताया कि कॉलेज वाले मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखने दे रहे, वो बोल रहे कि यूनिवर्सिटी से लेटर लिख के लाना। ऐसा है कि मेरे पापा मेरा धैर्य है कि वो हमेशा मेरा धैर्य बढ़ाते रहते हैं, कि वो हमेशा समझाते रहते कि देखते ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम ट्राई करते हैं प्रयास करते हैं। तो मेरे पापा किसान हैं, वो खेत मतलब वो अपना काम करके आए खेत से, और उन्होंने बोला मैं आज ही नागपुर जाता हूँ, मतलब मैं एक छोटे से गांव में रहती थी तब। तो पापा नागपुर गए, उन्हें भी पता नहीं था यूनिवर्सिटी कैस मतलब क्या है ये मामला, यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, वहाँ पे कौन सा काम होता है, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो फिर मेरा पापा ऐसे पता लगा कर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे मैडम जो लोग मिले उनके साथ बात की कि मेरे बेटी का ऐसा ऐसा इशू है कॉलेज में, और उसे एग्ज़ाम नहीं लिखने दे रहे, और मेरी बेटी ब्लाइंड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो अगर आपकी हेल्प मिलेगी तो अच्छा होगा। फिर वहाँ के यूनिवर्सिटी के लोगों ने मतलब यूनिवर्सिटी में जो हैंडीकैप के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाकर मतलब वहाँ पहुँचाया, और फिर वहाँ जो मैडम थी शर्मा मैम करके, उन्होंने मेरे पापा की सारी बातें सुनी, और फिर वो जो मैम थी शर्मा मैम उन्होंने मेरे सीधे कॉलेज में फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मैटर आपने उस ब्लाइंड लड़की के साथ किया है, तो ये सही है गलत है आप। तो फिर वो भी लोग थोड़ा सा डर गए, और फिर उस मैडम ने एक लेटर लिख कर दिया कि आप उन्हें बताओ कि आप मतलब लड़की को आप एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, मतलब उसको आप एग्ज़ाम लिखने के लिए परमिशन दे सकते हैं। फिर मेरे पापा आए और मुझे कॉलेज लेकर गए, और फिर वो लोग मुझे डांटने लगे कि आपकी कैसी हिम्मत हुई कि आप यूनिवर्सिटी में गई और यहाँ हमारे इधर आपने कॉल करने के लिए कहा। फिर मैंने बोला कि आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी में जाकर लेटर लिख के लाना है तभी आप एग्ज़ाम दे पाएगी। तो फिर ये मैटर था, फिर उन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिया और मेरे को एग्ज़ाम के लिए बैठने दिया। मतलब ऐसे भी बहुत सारे पल आते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। तब मुझे लग रहा था अगर मेरे को तो यूनिवर्सिटी पता ही नहीं है, मेरे पापा को भी इसके बारे में नहीं पता, तो अब क्या होगा, और मेरे एग्ज़ाम तो दो चार दिनों पर ही आए थे, अब मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। वैसे भी तो मुझे कॉलेज में कभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक एक्स्ट्रा टाइम तो कभी नहीं मिला, अलग रूम भी कभी नहीं मिला, बट स्क्राइब को भी वो लेने नहीं देते थे, कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो फिर जब से मैंने वो यूनिवर्सिटी से लेटर लिख कर दिया तब से वो लोग मुझे मतलब स्क्राइब लेते समय कोई परेशान नहीं करते थे, और इस तरह से मेरा आगे का एजुकेशन चलता रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अर्चना हमारे साथ इतनी सारी बात शेयर करने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, और बिल्कुल अगर आप कोशिश करें तो आप सफलता पा ही लेते हैं, चाहे वक्त कम हो और मुश्किलें ज़्यादा, फिर भी अगर आपकी कोशिश में दम है, अगर आपकी जो प्रयास हैं उनमें कुछ ताकत है, तो बिल्कुल आप हासिल कर लेते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें शेयर करने के लिए। सेगमेंट चल रहा है इस टाइम तेरी मेरी बात, और आज का मौजू कैन योर ऑब्सेशन मेक यू सक्सेसफुल, क्या आपका जुनून आपको आ सकता है, बिल्कुल हाँ दिला सकता है। जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप ऑब्सेस्ड हैं अपने डायरेक्शन के लिए, अपने जिस चीज़ के आप चाहते हैं वो करना, अगर आप उसके लिए ऑब्सेस्ड हैं, तो
तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो ऑब्सेशन का है, जो जब आप जुनूनी होते हैं किसी चीज के लिए, एक कैजुअल अप्रोच होती है लाइफ में हमारी कि सब लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ये कर लेते हैं, सब लोग वो कर रहे हैं तो हम भी वो कर लेते हैं, या फिर इस तरह की आसान चीजें हैं, ऐसा करने से ये मिल जाएगा और वैसा करने से वो मिल जाएगा। लेकिन जो ऑब्सेस्ड लोग होंगे ना, जो बिल्कुल जुनूनी लोग होंगे, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि उनको इसी फील्ड में जाना है, उनका मन इस चीज़ में लगता है और वो यही करना चाहते हैं। ये जो ऑब्सेशन है उनका, वो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो फोकस है, उसको गियर अप कर देता है, या यूँ कहें कि आप उसको स्पीड दे देता है कि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कभी डाउन नहीं हो पाती, वो खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। उनका जो फोकस है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने डायरेक्शन के लिए, आप उसको कुछ भी कह लें, डायरेक्शन कह लें या अपनी थॉट कह लें, अपना गोल कह लें, उसके लिए इतने फोकस हो जाते हैं वो कि वो कभी डगमगाते नहीं। और कभी मुश्किलें भी आती हैं तो क्योंकि उनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है अपने काम के प्रति, अपने काम के लिए उनकी जो एनर्जी होती है उसका लेवल हाई होता है, क्योंकि ये ऑब्सेशन जो है उनको पुश करता रहता है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इससे फ़ायदा उनकी इन दोनों चीज़ों पर पड़ता है, फोकस स्ट्रांग हो जाता है, साथ में एनर्जी भी बढ़ती रहती है। इसके बाद इसी से जो लिंक होती है एक चीज़, वो ये कि जो इस तरह के लोग हैं वो बड़े कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं। जब वो डिसीजन मेकिंग में आते हैं और जब वो अपने फैसले लेते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो आइडिया होंगे, वो जब उन पर सोचते हैं तो वो बहुत कॉन्शियस होकर डिसीजंस को लेते हैं, ताकि किसी भी तरह की गलती का कोई चांस ना बचे, कि ये ऐसा ना हो कि वो कोई कैजुअल अप्रोच में काम कर रहे हों और गलती कर बैठे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनकी जो अप्रोच होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है अपने काम के लिए, जिसकी वजह से वो जो भी करते हैं उसके लिए इतना सोचते हैं कि उसमें एक भी गलती हो, ऐसी संभावना वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक फ़ायदा उनको इसका भी मिलता है कि वो जो कॉन्शियस डिसीजन ले पाते हैं, ताकि वो अपनी सफलता की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ सके। इसके बाद जो ऑब्सेशन में लोग हैं, जो ऑब्सेस लोग हैं, बहुत अच्छी बात है उनकी, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, कि इस तरह के लोग जो होते हैं उनको पसंद है, या यूं कहें कि अच्छा लगता है कि वो जल्दी से नो कह देते हैं, यानी कि उनको मालूम है कब यस और कब नो कहना है। और कई सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके जब आप इंटरव्यूज और उनकी जब बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कई बार इस बात को मेंशन किया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में नो कहना सीखा है, और वो उनको मालूम होता है कि उन्हें कब नो कहना है और कितना स्ट्रांग नो कहना है। क्योंकि जब वो उस स्ट्रांग नो के साथ आगे बढ़ते हैं लाइफ में, क्योंकि वो अपने एक काम के लिए, अपने एक गोल के लिए ऑब्सेस्ड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, तो वो बाकी चीज़ों को ईजिली नो कह पाते हैं। ये आम इंसानों के साथ नहीं होता, जहाँ पे आप देखते हैं कि हम अगर कोई हमसे कुछ कहता है और हम उसको नो कह पाएँ, वो कई बार हमारी बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं कि हम, ये तो हमसे बहुत सीनियर हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे अपने कुछ लगते हैं, हम इनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम इन्हें नो कैसे कहें। लेकिन जो लोग बहुत जुनूनी किस्म के होते हैं वो अक्सर इस तरह की चीज़ें ध्यान में नहीं रखते, हालांकि उस टाइम पर लोगों को बुरा ज़रूर लगता होगा, लेकिन वो क्योंकि उनका फोकस अपने एक चीज़ के लिए है तो उस पर फोकस कर पाते हैं वो, और फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ों को नो करते हैं। अगर सोचें कि किसी सक्सेसफुल ने अगर ये माना कि अगर वो यस कह देता तो वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाता, अब क्योंकि उसने नो कहा है इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, और जिस तरफ वो बढ़ रहा था उसी तरफ बढ़ता चला गया। तो ये जो नो कहने की आदत होती है ऑब्सेस लोगों की, ये भी उनको सफलता की ओर ही लेकर जाती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि लाइफ आगे बढ़ सकती है, और ये जो ऑब्सेशन है आपको सफलता की ओर ले जा सकता है अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक अच्छे करियर की ओर आप इसके साथ जा रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई बात अभी भी आ रही है तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ वक्त और है जिसमें हम आपकी बातें ले सकते हैं और आपके साथ कुछ शेयर कर पाएंगे। अगर आप चाहें हमसे जुड़ना तो हमारे स्काइप आईडी रेडियोडान RADIOUDAA N पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, या साथ में अगर आप स्काइप यूज़र नहीं है तो बिल्कुल कॉल करें हमें,
हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। चाहे हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और प्रोग्राम है दिल से दिल तक सीजन सिक्स, सेगमेंट चल रहा है दूसरा तेरी मेरी बात। आज का मौजू कैन योर ऑब्सेशन मेक यू सक्सेसफुल, क्या आपका जुनून आपको सफलता दिला सकता है, ये बात हम आपके साथ कर रहे हैं। इसमें लगभग मैंने आपको 6 रीजंस बता दिए हैं और मिलाकरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, वो मुझे लगता है शायद फाइनल होंगे और वैसे भी थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास कि मैं आपके साथ और भी रीजन शेयर करूँ, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट मेरे पास रीजंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑब्सेस्ड पीपल आपने अक्सर देखा होगा कि वो मेंटर्स अपनी लाइफ में ढूंढते हैं, उनको चाहिए होता है कोई मेंटर हो, कोई रास्ता दिखाने वाला उनको, वो उनके लिए कोई भी हो सकता है, कोई लोकल बिजनेसमैन हो सकता है जो उनका आइडियल बन जाए, कोई उनका कोई टीचर हो सकता है,
कोई प्रोफेसर हो सकता है या कोई और भी व्यक्ति, कोई स्पोर्ट्समैन, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में आप एक बेस्ट व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। ये जो लोग होते हैं ये किसी व्यक्ति को अपना मेंटर बनाते हैं और उसकी हर बातें, अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और उनको अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को बेहतर बना पाएँ, कुछ कमी ना छोड़ जाए उनके उस आने वाले टाइम में, या अपने वर्जन जो उनका एक यूनिक वर्जन है, कहते हैं ना कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, तो उनका जो यूनिक वर्जन है उनका अपना, उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसको और बेहतरीन बना सकें, तो उसके लिए वो मेंटर ढूंढते हैं। और ये अच्छा है कि आप चीज़ें दूसरों से सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखें, क्योंकि कई मर्तबा जब आप अपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो आपका बहुत सा वक्त इसमें ज़ाया हो जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त खर्च हो जाता है, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें दूसरों से भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए जब आप अपने मेंटर्स डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उनकी अच्छी बात है, उन्होंने किस तरह से लाइफ में आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो चीज़ें आप सीखते हैं। और इसके साथ जो एक और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास है वो आपके ऑब्सेशन की बात है कि आपका जुनून आपके टैलेंट को बीट कर सकता है, यानी कि आप में टैलेंट हो या ना हो आपका जुनून उस कमी को पूरा कर सकता है। कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग जो टैलेंटेड होते हैं, उनको जिनके पास किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत अच्छा टैलेंट होता है, चाहे वो म्यूज़िक हो या कोई और चीज़, कोई और दूसरी आर्ट या स्पोर्ट्स खेलने की आदत या कुछ भी ऐसा बहुत अच्छा लिखना आता हो आपको, ऐसी कोई भी बात जो आप बहुत अच्छा करते हैं, पहले से करते हैं, बचपन से करते हैं, या आपने थोड़ी सी कोशिश की और आप उसमें बेहतरीन हो गए, तो कई बार चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, लेकिन जुनून में आपके जो आपका जुनून है, जो आपका ऑब्सेशन है, उसमें इतनी ताकत है कि अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, तो भी आप अपने जुनून के सहारे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों ने एक स्कूल में कहानी पढ़ी होगी वरदराज की, जो कभी मूर्ख हुआ करता था, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन उसको एक घटना ने प्रेरित किया, कुएं में जो रस्सी से पानी खींचते हैं और उसके पानी खींचने के लिए जो बाल्टी नीचे डालते हैं और ऊपर खींचते हैं, उस रस्सी से कुएं के किनारों पे जो निशान बन जाते थे उसको देख के एक प्रेरणा मिली, और उस बच्चे ने उसके बाद इतनी मेहनत की, हालांकि वो टैलेंटेड नहीं था क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसने इतने जुनून के साथ, इतनी मेहनत के साथ उस पर काम किया कि आप ये समझें कि वो आगे जाके एक बहुत बड़ा विद्वान बना। तो आपके पास टैलेंट है या नहीं ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने जो आपका गोल है, अगर आप उसके लिए ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड, फोकस्ड हैं, तो आप टैलेंट ना होने के बाद बावजूद उस क्षेत्र में, उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ थे, जो कुछ व्यूज़ थे, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा कि आपका ऑब्सेशन किस तरीके से आपको मदद करता है कि आप आगे लाइफ में सक्सेस हो, अगर ये एक पॉजिटिव या एक अच्छे डायरेक्शन में हो। तरीका गलत नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि तरीका गलत है और जिधर आप जा रहे हैं वो जगह ही गलत है, तो फिर आप कुछ अच्छा भी करें तो भी शायद ठीक नहीं होता। इसलिए आपका डायरेक्शन, आपका गोल एकदम अच्छा होना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा, सबके लिए फ्रूटफुल होगा तो वो अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप जब हमको इस टाइम YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube के थ्रू भी आप कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं आपके मन में इस टाइम क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप जब भी हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करें आपके लिए तो आप उन वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो YouTube भी हमारा एक माध्यम जिसके लिए आप कभी भी अपने वक्त के अनुसार, आपकी मर्जी के हिसाब से आप हमारे शोज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उन पे अपने व्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। बहरहाल अब बारी आ गई है कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, लेकिन उससे पहले लव टिप ऑफ द वीक, मिस लवी आ गई हैं अपनी टिप लेके, वो आपको टिप देंगी और उसके बाद हम विदा लेंगे, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को यानी कि जुमेरात को फिर आपके साथ मैं आऊँगा एक बिल्कुल ब्रांड न्यू शो लेके, नया टॉपिक ले, नया मौजू लेके, और फिर आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें।
रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए लव टिप ऑफ द वीक लेकर। बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, वो दादी के हाथों की मक्की की रोटी और वो मीठी लस्सी बनाना। हमारी गलतियों पर हमें अपने पास बड़े प्यार से बिठाकर दादाजी का वो समझाना, वो नानी के हाथों का मखमली स्पर्श और वो नाना जी का बड़े प्यार से उंगली पकड़कर सारा बाजार घुमाना। जी हाँ दोस्तों, आज की पीढ़ी बुजुर्गों को अपने पास अपने घर में ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन बुजुर्गों का घर में होना बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि बुजुर्गों के होने से घर में हमेशा बरकत रहती है, सुरक्षा रहती है और साथ ही साथ बड़ों का जो प्यार, बड़ों की जो सीख, हमें बुज़ुर्गों की जो सीख मिलती है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हमेशा अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें और उन्हें बड़े प्यार से रखें अपने पास। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा अपना और अपने से प्यार करने वालों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड बाय, कीप लिस्निंग रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक। रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
बाटे खट मीठे का मजा है, ज़ुबां पे अब भी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आंखों से, कभी कैसे देखूं उसको तना साथिया। दांत काटे संग बाटे खट मीठे का मजा है, ज़ुबां पे अब भी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आंखों से, कभी कैसे देखूं उसको तना साथिया।